प्लेटर जो कि मैंने ट्राई किया है, इट्स आउट क्लास। पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आते हैं, खानों को एंजॉय करते हैं। प्लेटर जो है वो बनाने वाले यही है, बंसोर से स्टार्ट हुआ। और ये 2% का है, ये 2% का है। देख लें इसकी टॉपिंग की जा रही है, इसके बाद वेजिटेबल के साथ क्रीम की टॉपिंग है इसके ऊपर। ये प्लेटर जो शुरू हुआ है ना, जो हमने फर्स्ट टाइम खाया था वो यहीं से खाया था, बंसोड में प्लेटर हाउस। मटन में यखनी पुलाव बना हुआ है। अच्छा जी, ये मटन यखनी में पुलाव तैयार किया गया है, यखनी पुलाव ऐड किया गया, उसके बाद तमाम बारबेक्यू आइटम ऐड किए गए, उसके बाद इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको गार्निश किया है। एंजॉय कर रही हैं आप? यस। कैसा लगा आपको? टेस्टी है। राइस ऐड करने के बाद तमाम बारबेक्यू आइटम इसमें ऐड किए गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग प्लेटर इंजॉय करने आए हुए हैं और जबरदस्त तरीके से ये देख लें भाई डेकोरेट किया। जी प्यारे व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे मशहूर प्लेटर हाउस पर। जी ये देख लीजिए भाई, लोकेशन भी मैं आपको गाइड कर दूँ, ये मेन बंस रोड है और मेन बंस रोड पर ही है ये प्लेटर हाउस। अपने मुनफरिद जायके और बेहतरीन प्लेटर की वजह से आजकल बहुत मशहूर है। तो इसी सिलसिले में आज हम भी आ गए हैं प्लेटर हाउस। बड़े चर्चे हैं प्लेटर प्लेटर, लेकिन असल जो प्लेटर है वो प्लेटर हाउस का ही है। यखनी पुलाव में बारबेक्यू आइटम ऐड करके जो प्लेटर की बुनियाद रखी है वो प्लेटर हाउस ने ही रखी है। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी तादाद में प्लेटर्स तैयार किए जा रहे हैं, खाने वालों का भी खूब रश है और ले जाने वालों की भी यहाँ कसीर तादाद है। अच्छा जी, पार्सल के लिए भी बड़े ही जबरदस्त तरीके से पैक करके दिया जाता है। बारी बारी तमाम बारबेक्यू आइटम ऐड किए जा रहे हैं। इसमें चिकन टिक्का ऐड करने के बाद चिकन रेशमी कबाब ऐड किए जा रहे हैं। बटे बारबेक्यू मार दे, बटे ये चिकन बोटी मलाई बोटी और प्याज। ठीक है, चिकन बोटी मलाई बोटी ऐड की गई है इसके अंदर विद वेजिटेबल्स। ये देख ले भाई, बड़ी तादाद में इनके पास ये पर्चियां ऑर्डर लगे हुए हैं। ये कौन सा प्लेटर है? मिक्स ग्रिल। अच्छा जी, ये मिक्स ग्रिल प्लेटर है। बड़ी तादाद में प्लेटर तैयार किए जा रहे हैं, ये देख ले भाई। राइस ऐड करने के बाद तमाम बारबेक्यू आइटम इसमें ऐड किए गए हैं। कौन सा प्लेटर है ये? ये बारबेक्यू प्लेटर है, विदाउट राइस है, चपाती पराठे के साथ। सही। अच्छा जी, ये बारबेक्यू प्लेटर। ठीक है, ये मिक्स ग्रिल प्लेटर है और ये बारबेक्यू प्लेटर विदाउट राइस। बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये देख ले भाई डेकोरेट किया जा रहा है। ये यखनी पुलाव है? जी हाँ, ये मटन में यखनी पुलाव बना हुआ है। अच्छा जी, ये मटन यखनी में पुलाव तैयार किया गया है। अब इसमें बारी बारी तमाम बारबेक्यू आइटम ऐड किए जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मजीद प्लेटर लग चुके हैं, इसमें यखनी पुलाव ऐड किए गए हैं। पहले भी बड़े जबरदस्त से तैयार किए जा रहे हैं। यखनी पुलाव ऐड किया गया, उसके बाद तमाम बारबेक्यू आइटम ऐड किए गए, उसके बाद इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको गार्निश किया है क्रीम से, वेजिटेबल से, और ये डिलीवर के लिए रेडी हैं। गत्ता तोड़ के रशद को दे, डब्बे का गत्ता तोड़, एक साइड से गत्ता तोड़ के रशद को दे। ये 2% है दोनों, इसमें एक टिक्का आ गया, एक मलाई बोटी आ गई, एक चिकन बोटी है, इसमें अब कबाब जो है ना ऐड होंगे अभी। ये 2% है और ये वाला 4% है, इसमें तमाम चीज़ें डबल हो जाती हैं। तो 4% के 3000 रुपये प्राइस है और ये 2% जो है वो 1600 रुपये का है। जी हाँ, हाँ जी, इसमें कबाब बाकी हैं अभी, इसमें चुल्लू कबाब और रेशमी कबाब भी आएंगे। नहीं सर, ये यखनी में बना हुआ, मटन की यखनी में बना हुआ पुलाव है। जी जी, चेंज कर गिलास। इसमें भी कबाब रहते हैं, कबाब आएंगे, फिर इसकी टॉपिंग होगी। अच्छा, इसमें क्या आएगा? बड़े वाले के अंदर, बड़े वाले के अंदर भी बोटियाँ भी रहती हैं, चिकन बोटी भी रहती है, अभी मलाई बोटी भी रहती है। इसमें दो टिक्के हो गए और दो चिकन बोटी की सीखे आएंगी,
एक देखें ये आती आ रही हैं, अभी आपको हम दिखा दे जाएंगे साथ साथ। जा रहे हैं साथ में दो सीखे रेशमी कॉफ़ी, ये 2% का है, ये 2% का है। जी हाँ, 3 बंदे आराम से खाएंगे इसे, एक बंदे की गुंजाइश इसमें होती है। ये ऊपर बड़ी तादाद में प्लेटर तैयार किए जा रहे हैं टमाटर की, ये देख लें बारी बारी तमाम बारबेक्यू आइटम इसमें ऐड किए जा रहे हैं। ये दो सीखे चिकन कबाब की है, दो सीखे रेशमी कबाब है। अच्छा, ये चिकन कबाब है, ये रेशमी कबाब है, दोनों चिकन में है, लेकिन थोड़ा जायका इनका अलग अलग है। अच्छा, टेस्ट दोनों का अलग अलग है। हम देख लें इसकी टॉपिंग की जा रही है, इसके बाद वेजिटेबल के साथ क्रीम की टॉपिंग है इसके ऊपर। जी हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा ये चुकंदर आएगा इसके ऊपर टॉपिंग के लिए, और इसके बाद इसके ऊपर लेमन ऐड होगा। ये कंप्लीट हो चुका है, 2% कंप्लीट हो चुका है। जी अब ये 4% का प्लेटर है, कितना जबरदस्त ये तैयार किया जा रहा है कि 4 नहीं है, आराम से 6% इजीली इसको खा सकते हैं। इसमें पहले बीफ यखनी पुलाव ऐड किया गया, उसके बाद कई अकसाम के बारबेक्यू आइटम इसमें ऐड किए गए हैं। ये देख लें भाई, टॉपिंग करके ये तैयार कर दिया गया है। ओके सर, थैंक यू। माशाल्लाह किस कदर लोगों का यहाँ रश है। अर्शद आवाज देते जाना है, प्लेटर पे प्लेटर लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ लोगों के ऑर्डर लगे हुए हैं। कुछ तो बात है इनके जायके में जो लोग इस कदर दीवाने हैं प्लेटर के। ये देख लें भाई, बड़ी तादाद में यहाँ पर बारबेक्यू आइटम तैयार किए जा रहे हैं। ये क्या चीज है, चिकन बोटी। तो भाई देख लें, चिकन बोटी तैयार की जा रही है, बड़ी तादाद में चिकन बोटी लगी हुई है। और ये कौन से कबाब है, रेशमी कबाब। ये देख लें भाई, बड़ी तादाद में यहाँ चिकन रेशमी कबाब तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर और भी इनका बारबेक्यू किया जा रहा है, यहाँ पे भी बारबेक्यू तैयार किया जा रहा है। ये चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का है, और ये मलाई बोटी, मलाई बोटी, और ये चिकन बोटी। देख लें भाई, बड़ी तादाद में लगी हुई है क्योंकि प्लेटर पे बड़ा ज़बरदस्त सा रश है। अच्छा भाई, प्लेटर हाउस पे आप लोग देख लें, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो प्लेटर इंजॉय करने आए हुए हैं, बहुत रश है माशाल्लाह ज़बरदस्त। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग प्लेटर इंजॉय करने आए हुए हैं, और फैमिलीज का रिव्यू भी लेंगे, आपको बताएंगे भाई कैसा प्लेटर है। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, तो उनका भी हम रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? तौकीर तबस्सुम। खैरियत से हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, और आपने कौन सा प्लेटर ऑर्डर किया है? हमने ये मिक्स प्लेटर ऑर्डर किया था। अच्छा, मिक्स ग्रिल प्लेटर ऑर्डर किया है आपने, कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। अच्छा, जबरदस्त। फर्स्ट टाइम आए, आते रहते हैं हम? फर्स्ट टाइम आए हूं। आप फर्स्ट टाइम आए, कैसा लगा आपको? जबरदस्त। मैं कश्मीर से आया हूं और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप कहां से आए? कश्मीर से। आप कश्मीर से आए, जबरदस्त भाई। ये भाई सब कश्मीर से आए, उन्होंने प्लेटर ट्राई किया, इनको बहुत जबरदस्त लगा प्लेटर, मिक्स प्लेटर जो कि मैंने ट्राई किया है, इट्स आउट क्लास। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आ गए मजीद कुछ फैमिली के पास, तो इनका भी रिव्यू लेते हैं कि उन्होंने कौन सा प्लेटर ऑर्डर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, कौन सा प्लेटर ऑर्डर किया आपने? हमने प्लेटर ऑर्डर किया दो बंदों का ये। अच्छा, 2% प्लेटर आपने ऑर्डर किया है, तो कैसा लगा आपको ये प्लेटर? ये प्लेटर अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें जो बारबेक्यू वगैरह है और कबाब है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कबाब का टेस्ट अच्छा लगा आपको? कबाब का टेस्ट अच्छा लगा। आपने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया या आते रहते हैं यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई किया। अच्छा, आपने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, दूसरों को रिकमेंड करेंगे? रिकमेंड करेंगे, कैसे चक्कर लगाए आप। चलें, बहुत शुक्रिया भाई। इनका सेटिंग अरेंजमेंट भी बड़ा जबरदस्त है, फुल है, हाउस फुल है भाई। इसके अलावा भी इनका यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट है, ये देख लें जी। यहाँ हमारे साथ बड़ी क्यूट सी बच्ची है और प्लेटर एंजॉय करते हुए नजर आ रही है, तो इनका फूड रिव्यू लेते हैं कि भाई इनको कैसा लगा खाना। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तस्कीन जमाली। तस्कीन नाम है, माशाल्लाह। अच्छा जी, प्लेटर एंजॉय कर रही हैं आप? यस। कैसा लगा आपको? बहुत यम्मी। टेस्टी है। यस। फर्स्ट टाइम खा रही हैं या आती रहती हैं? फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम आई अपनी फैमिली के साथ। सही है, जबरदस्त इंजॉय करें भाई। अच्छा जी प्यारे व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ हर दिल अजीज शख्सियत मौजूद है, फराज भाई प्लेटर हाउस के ऑनर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है फराज भाई आपके? और कैसा चल रहा है आपका प्लेटर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है। आप जरा अपने प्लेटर के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। हमारा प्लेटर, हमने तकरीबन, आपको पता है जैसा कि कराची में बहुत तेजी से मंदी एड हो रही थी, तो उसको देखते हुए हमने एक नई रेसिपी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई। कराची वाले आपको पता है जैसा कि तीखा खाते हैं, मंदी जो है वो तीखी नहीं होती और फीके चावल होते हैं, तो लोगों को पसंद नहीं आती है। एक दफ़ा लोग जाते हैं लेकिन बार बार नहीं जा सकते, तो उसको देखते हुए हमने इसको यहाँ पे प्लेटर को इंट्रोड्यूस करवाया। आज से 1.5 साल पहले आज आप देख सकते हैं आपके सामने, माशाल्लाह पूरे कराची से, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आते हैं, खानों को एंजॉय करते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने अभी जो है अपनी हाल भी और ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी की भी जगह के लिए जगह भी बनाई है, खाने को और बेहतर कर रहे हैं, हाइजीन की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश। कराची में आपका प्लेटर, कराची नहीं, कराची से बाहर भी आपका प्लेटर बड़ा मशहूर हुआ है और बेहद पसंद किया जा रहा है, और आप इतने रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं कि सलाम है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये कि मैंने बहुत लो लेवल से काम शुरू किया, डिश वॉशिंग से मैंने काम शुरू किया, और मुझे अंदाजा है कि खाने की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और खाने की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। हम लोगों को देखते थे, फैमिली हमारे पास आती थी, 4 बंदे होते थे, 2 एक बर्गर मंगाते थे, फ्राइज वगैरह खा के बच्चों के साथ गुजारा करते थे। उसको देखते हुए हमने 2 साल पहले जो रेट रखे 1600 रुपए प्लेटर के, वो 4 बंदों के लिए काफी होता है। अगर 2 मियां बीवी और 3 बच्चे हो तो आराम से खा सकते हैं, उसमें बारबेक्यू भी है, उसमें बोटी भी है, सारी चीजें, राइस भी है, लार्ज क्वांटिटी में राइस है, बारबेक्यू आइटम में देखा मैंने जी, सारी चीजें मौजूद है। तो वो 5-6 बंदे अगर फैमिली है तो वो आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये रेटों को आज तक इंक्रीज किया जी, बहुत शुक्रिया जी। आज हमारी मुलाकात हुई है फूड की दुनिया के जानी मानी शख्सियत काशिफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है काशिफ भाई? आपका शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपका यहाँ विजिट हुआ प्लेटर हाउस पे? बिल्कुल, प्लेटर हाउस पे मेरा विजिट यूँ हुआ कि मैं सेकंड टाइम पे यहाँ पे आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था। प्लेटर जो है वो बनाने वाले यही है, बंसोर से स्टार्ट हुआ और आप काफ़ी जगहों पे आप देख रही होंगी रेस्टोरेंट के अंदर प्लेटर 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 चल रहे हैं, मगर जो टेस्ट है ना वो इनका एक अलग ही है, वो बेहतरीन टेस्ट है। आप पब्लिक का रश दिखा सकती हैं कि कितनी पब्लिक है, कितने प्लेटर डेली बन रहे हैं और लोग लेके जा रहे हैं, तो इसी तरीके से लाइन लगी है माशाल्लाह, बेहतरीन है, बेहतरीन। अच्छा, प्लेटर की जो बुनियाद रखी है इस प्लेटर हाउस ने रखी है? फराज भाई ने रखी है, क्योंकि प्लेटर जो शुरू हुआ है ना, जो हमने फर्स्ट टाइम खाया था वो यहीं से खाया था, बंसोड में प्लेटर हाउस से ही, तो बेहतरीन है। आप लोग आए यहाँ पे इंजॉय करें, बेहतरीन खाना है इन लोगों का, तमाम चीज़ें इनके पास फैसिलिटी है, और जूस वगैरह, बारबेक्यू, बहुत सारे आइटम इनके पास है। सबसे बड़ी बात है इनके पास सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त, ऊपर भी है फैमिली का अलग, एक और है, एक ये बना हुआ है और एक ये ओपन बनाया हुआ है। लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि अंदर बैठ के नहीं खाते, बाहर बैठ के खाते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है। तो आप लोग आए, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, और इस प्लेटर के प्राइस भी बहुत मुनासिब है, तो आप लोग इंजॉय करें। और आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हम? आपके चैनल के बारे में, माशाल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा है भाई, इनको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं आप, मैं देखता हूँ आपके चैनल को, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, देखें, बहुत अच्छी अच्छी आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपकी दुआ होगी तो हम जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा बड़ा यमी और बड़ा ही ज़बरदस्त सा प्लेटर आ चुका है। हमने ऑर्डर किया है 2 पर्सन प्लेटर जिसकी कीमत है 1600 रुपये, और ये 2 पर्सन प्लेटर हम 4 पर्सन ने बहुत इजीली और बहुत मज़े से इंजॉय किया, क्योंकि ये फुल लोडेड है, बहुत ही ज़बरदस्त से इसमें यखनी पुलाव है, उसके बाद इसमें चिकन टिक्का, चिकन रेशमी कबाब, चिकन कबाब, मलाई बोटी, टिक्का बोटी, इसके अलावा ग्रिल वेजिटेबल्स और क्रीम से इसकी टॉपिंग की गई है। इसके अलावा सिन फूड अथॉरिटी ने इसको अप्रूव भी किया है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटर है जो कि ना सिर्फ जेब पे हल्का, मज़े में भारी, बल्कि मुझे सेहत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर फूड की क्वालिटी और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, साथ ही मैंने ऑर्डर की थी अफ़गानी बोटी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही कोई नमकीन थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको प्लेटर टेस्ट करके बताती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया ये चिकन टिक्का, चिकन कबाब, रेशमी कबाब, टिक्का बोटी और ये बीफ यखनी पुलाव। तो भाई टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं।
फुल जूसी कबाब हैं और फुल जूसी राइस हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला टेस्ट है। बस जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के इस चटपटी मज़ेदार सी वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई ज़बरदस्त सी चटपटी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।